हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल तक अपन ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस को पढ़ रहे थे, और उनमें अपन ने पढ़ा किस तरह से प्राइमरी फोलिकल बनती है, यानी कि सबसे पहले अपन को पता है उगोनिया बनती है, यानी प्राइमोड यॉक सैक से शुरू किया था अपन ने। यॉक सैक बना, उसके बाद में प्राइमोडियल जर्म सेल बनी, प्राइमोडियल जर्म सेल में फिर माइटोसिस हुआ और उससे बनी उगोनिया जो डिप्लॉयड थी, 2n थी, यानी क्रोमोसोम के नंबर उसमें 46 थे क्योंकि माइटोसिस हुआ है। उसके बाद में उसके सराउंडिंग जो ओवरी के अंदर सेल्स होती है जिसको अपन कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स, वो उसको सराउंड कर लेती है, एक एग लाइक, एक हॉर्न सींग की तरह एक संरचना बन जाती है जिसको अपन कहता है एग ऑफ फ्लजर, ठीक है ना, पी उसमें साइलेंट था। उसके बाद में वो सराउंड में पूरी चारों तरफ घूम गई उसके, उसको अपन ने बोला प्राइमोडियल फोलिकल, करेक्ट। उसके बाद में अपन ने बनाया था फिर, और वो पहले क्यूबोडल शेप में थी स्ट्रोमल सेल, उसके बाद में वो कोलुमलार सेल में कन्वर्ट हो गई, उसको अपन ने बोल दिया क्या, बिल्कुल, उसको अपन ने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल, फिर वो कोलुमनार में आ गई। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी फॉलिकल से अब कन्वर्ट होगी किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। तो किस तरह से होगी देखिए आप, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल अपन ने बना दी थी, याद करो आप, प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, एक बार वापस लिख लो, ये 2n, बिल्कुल सही बात है, ये 2n था और इसके सराउंडिंग हमने सेल बनाती थी, वो कैसे बनाती थी, कॉलम शेप की स्तंभाकार कोशिकाएं बनाती थी, है ना, ये ले लिया, ये स्तंभाकार कोशिकाएं बना दी मैंने, ये कौन सी है, ये स्ट्रोमल सेल ही है, ये कौन सी सेल है जो पहले स्टार्टिंग से आ रही है, वही है, ये नहीं इतनी है, ये स्ट्रोमल सेल्स जो कैसी हो गई है, कोलुमनार हो गई, ध्यान रखिएगा कैसे हो गई है, कोलुमनार शेप में कन्वर्ट हो गई, पहले क्यूबोइड थी, घनाकार से स्तंभाकार में बदल हो गई, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया, इसके अंदर पता है आपको क्या है, इसके अंदर वाली संरचना चेंज हो गई, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट, ध्यान रखना ऊसाइट, ये भी 2n ही है अभी तक, ठीक है ना, इससे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर। अब आप देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, किसमें होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में, जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक पुटिका, क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटिका। तो ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रोमल लेयर, इसकी टोटल अब तीन परतें बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, तीन परतें बन जाएगी, कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले अंदर तो कौन है आपको पता ही है, कौन है, प्राइमरी ऊसाइट, ये आ गई प्राइमरी ऊसाइट, है ना, ये 2n की 2n है क्योंकि कोई विभाजन नहीं हुआ है अभी तक। अब इसके बाहर देखिए आप, इस प्राइमरी ऊसाइट के बाहर इस तरह कोशिकाओं की तीन परतें बन जाएगी, किसकी वजह से, ये स्ट्रोमल कोशिकाएं विभाजन करने के कारण, कितनी परतें बन जाएगी, तीन परतें बन जाएगी, एक परत, दो परत, ये तीन परत, क्योंकि दो परतें, अब अपन बना लेते हैं तीसरी परत, एक और बना लेते हैं, ठीक है ना, एक तो इसके सराउंडिंग वाली यही है, एक तो यही है इसके अंदर भाई, एक तो यही है, इसको तो अपन छेड़ ही नहीं रहे, इसके अलावा आपने तीन परतें बना दी, ध्यान रखना, एक दो और एक और बना देता हूं मैं आपके सामने, इस तरह से गोल गोल आप बना सकते हो, ये आपस में जुड़ी हुई है कोशिकाएं ना, मैंने स्पेस दिया, आप इसको जोड़ देना जब बनाओ तब ढंग से, क्योंकि तो टाइम लगता है फालतू का, पता है ये सेल्स है, ठीक है ना, तीन परतें होगी, इस बाहर वाली परत को हम बोलते हैं थीका लेयर, क्या बोलते हैं, थीका परत या लेयर, ठीक है, ये आ गई आपके थीका परत, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, थीका लेयर, और जो दो परतें आप देख रहे हो ये वाली, ये दो परतें, एक ये और एक ये, इनको अपन बोलेंगे मेम्ब्रेना, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनु लोसा लेयर, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर है डियर, ठीक है, और इसके अंदर है वो आपको पता है प्राइमरी ऊसाइट, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सेकेंडरी फोलिकल, और यहां पर एक परत बन जाती है, यहां पर इस सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर, यहां पर ये बन जाती है, इसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, तो डेफिनेटली जोना पेलुसिडा, इसके अंदर कोई सेल नहीं होती है, ये केवल ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपोली, यानी ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपोली
सैकेराइड। देखो मैंने दो शॉर्ट में लिखे इसलिए कंफ्यूज मत होना, एक का जीपी का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन्स और एमपीएस का मतलब है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसकी ये एक कोशिकीय परत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जोना पेलुसिडा जो परत होती है वो सेलुलर है या एसेलुलर है, कोशिकीय है या अकोशिकीय है, तो अकोशिकीय आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए साहब, ये जोना पेलुसिडा जो किसमें बन गई, आपके सेकेंडरी फोलिकल के अंदर ही बन गई, दो मेम्ब्रेनस है और एक थीका परत है। अब ये थीका परत बनते ही इससे आप ध्यान रखिएगा ईस्ट्रोजन का, किसका, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट्रोजन हार्मोन कहां से आ रहा है, भाई कार्पस ल्यूटियम तो अभी बना ही नहीं, तो ईस्ट्रोजन कहां से, तो आप बोलोगे जो विकसित हो रही है पुट्टी का जो सेकेंडरी फोलिकल है उसमें थीका परत बन जाती है। उन थीका परत को हम आगे जाकर दो में डिवाइड करेंगे, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, यानी जो तीन परतें बनाई इसकी मैं आगे पांच में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो थीका इंटरना जो होगी वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगी। ग्राफीन फोलिकल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो कल अपन ने इवेंट अधूरा छोड़ा था, अपन ने प्राइमरी फोलिकल तक बना दिया था, याद कीजिए आप, प्राइमरी फोलिकल से अब अपन बनाएंगे सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल बाद में टर्शियरी, फिर ग्राफीन, इस तरह से सीक्वेंस पूरा ओवरी के कोर्टेक्स पार्ट में कंटिन्यूली चलता रहेगा ड्यूरिंग द मेस्ट्रो साइकिल और डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल, है ना, ये सारा एक पीरियडिक चेंजेस होते रहेंगे जिसको अपन ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने कल क्या बनाया था, लास्ट कल अपन ने बना दिया था प्राइमरी फोलिकल, याद कीजिए एक बार, प्राइमरी फोलिकल हमने बना दिया था, और प्राइमरी फोलिकल के अंदर ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, एक डायग्राम बनाया था प्राइमरी फोलिकल में, कैसे बनाया था देखिए आप, इसके अंदर अपन ने उगोनिया लिखते हुए आ रहे थे, अब इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट इसके अंदर है, बेसिकली ये 2n है, डिप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके अंदर, और इसके बाहर अपन को पता है एक लेयर बन गई थी, किसकी, स्ट्रोमल सेल की। ठीक है, जो ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा सेल्स, क्लियर, ये स्ट्रोमल सेल्स की लेयर बन गई थी अपन को, और ये जो लेयर बनी थी इसको मैंने एक सिंपल बना दी, इसको प्रॉपर बनाओ तो ये कॉलमलार हो गई थी, कॉलम शेप की हो गई थी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्तंभाकार आकृति की, ये घनाकार से कैसे हो गई थी, स्तंभाकार हो गई थी, ये देखिए आप, क्लियर, ये आपके बन गई कौन सा, स्ट्रोमल सेल लेयर, सेल्स कैसी हो गई है, स्तंभाकार हो गई यानी कोलुमनार हो गई, क्लियर, और बीच में प्राइमरी ऊसाइट है। लेकिन साथ ही साथ में आप ध्यान रखें यहां पर एक इसके बाहर भी एक परत बन जाती है जो निर्जीव परत होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की परत होती है ना, इसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, और ये ध्यान रखना इसमें कोई कोशिका नहीं होती, ए सेलुलर है, एक तरह की क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये एसेलुलर है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती ना इसमें कोई सेल होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सी लेयर जो होती है वो एसेलुलर होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो एसेलुलर लेयर है, उसमें किसी तरह की कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो डेवलपमेंट होगा आगे वो होगा आपके इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, मॉड्यूलेशन क्या होता है कि कैरियर ग्रोथ होने के बाद में ये आपके कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी फॉलिकल में, या लिख रहा हूँ नीचे ये लिखा हुआ ऊपर, अब ये कन्वर्ट होगी किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, ध्यान रखना, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, फेज मॉड्यूलेशन होगा। अब सेकेंडरी फॉलिकल में जब कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, देखिए आप, अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है उसको बना रहा हूँ मैं, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं पी आर आई, प्राइमरी ऊसाइट को ऊ और सी वाई लिख रहा हूँ, है ना, और ये भी 2n है क्योंकि यहाँ अभी तक कोई मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ है, ओनली माइटोसिस ही हो रहा है, ग्रोथ ही हो रही है सिर्फ। ठीक है, ये होगी सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, ये जो सेल यहाँ पर अपन ने स्ट्रोमल की वन लेयर बनाई थी, आप इसकी थ्री लेयर कर दो, अब कितनी, थ्री लेयर देख लीजिए मैं करता हूँ फटाफट, ये तो हो गई वन लेयर, मैसेज सिग्नल, ये होगी सेकेंड लेयर, समझना है आपको, कोई ग्राफिक करनी नहीं इसलिए फटाफट बना रहा हूं मैं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे, बोलेंगे सुपरइम्पोजिंग ऑफ, ये हो गई कौन सी आपके इसकी, बताइए थर्ड लेयर, तो टोटल कितनी लेयर हो गई, थ्री लेयर हो गई, और यहाँ पर जो कवरिंग है जिसको मैंने अभी कहा था आपको ये सेपरेट हो जाती है, यहाँ पर कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा, जिसको मैं शॉर्ट में बार बार क्या लिखूंगा, जेड पी, क्या लिखूंगा, जेड पी, ओके, ये आ गई आपके, देख लीजिए अब ये बाहर वाली लेयर जो है ना इसको बोलते हैं थीका लेयर, क्या बोलते हैं, थीका लेयर, और थीका लेयर जो होती है वो भी आगे जाकर दो में डिफरेंशिएट होगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटरना, बेसिकली यहीं से निकल के आता है कौन सा हार्मोन, एक तो ईस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा हार्मोन लेकर के आता है यहाँ से, कौन सा आपको पता है,
इनहिबिन, कौन सा इनहिबिन हार्मोन, इन फोलिकुलर सेल से निकल रही है, क्या है स्ट्रोमल सेल तो आई इनहिबिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन इन्हीं से ही निकल के आएंगे बाद में आगे, ध्यान रखिएगा ठीक है ना। और ये तो होगी बार वाली फीका, और ये जो दो है कौन कौन सी, एक ये और ये दोनों, ये वाली देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली जो दोनों इसके प्राइमरी साइड के पास है, इनको अपन बोलते हैं ग्रेनु कैरियर सिग्नल के साथ मिला दिया, तो यहाँ पे ग्रेनु लोसा मेम्ब्रेनस ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं ग्रेनु लोसा मेम्ब्रेनस, और अंदर जो रेड कलर वाली है उसका नाम अपन रख दिया जोना पेलुसिडा, जो रेड कलर में वो जोना पेलुसिडा, तो आउटर लेयर कौन सी होगी थीका, दूसरी होगी ग्रेनुलोसा, तीसरी होगी जोना पेलुसिडा, उसके बाद में आती है प्राइमरी ऊसाइट ठीक है। अब ये हो गई आपके, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ना अपन ने, सेकेंडरी फॉलिकल है ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होगी अपनी और मैच्योर स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है फेज है, टर्शियरी फॉलिकल, क्या नाम है टर्शियरी फॉलिकल, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में तृतीयक पुटिका, क्या बोलते हैं तृतीयक पुटिका में कन्वर्ट होगी ठीक है। ये दोनों बनाइए आप, ये स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, अगली जो होगी मैं टर्शियरी फॉलिकल का डायग्राम दूसरा बनाऊंगा, फिर ग्राफेन, इस तरह से सारे सीक्वेंस के डायग्राम बनेंगे ठीक है। लिखिए फटाफट फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल ऑफ पाई क्या है, इनिशियल फेज ठीक है, क्या है ये इनिशियल फेज है। तो देखो हमारे पास तीन वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज, अगर हम इन तीनों में कुछ चेंज करते हैं ठीक है, किसके कैरियर सिग्नल के अगर इन तीनों वेरिएबल में से किसी एक में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं, उसी टाइप का मॉड्यूलेशन होता है ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं अपन लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग AM, तो इसमें अपन लोग क्या क्या चेंज करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है। प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, अब अपन बात करते हैं टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी और ग्राफेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके थ्रू होता है बाय द चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये पहला हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग FM, ये किसके थ्रू होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें ठीक है, बाय द अब बनाइए आप टर्शियरी फॉलिकल, तृतीयक पुट्टिका, सेकेंडरी से अपन किस में आ गए टर्शियरी, आप टर्शियरी में देखो आप कितनी लेयर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 लेयर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा कैसे, देखिए आप ये मैंने बना दी अंदर कौन सी, अब ये टर्शियरी फोलिकल कब बनेगी, प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टी आने पर मॉड्यूलेशन FSH फेज मॉड्यूलेशन क्या है, अगर हम का फेज लेवल ठीक है बढ़ जाता है, और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी FSH का लेवल बढ़ेगा, इमीडिएट आप जान के चलिए ये सेकेंडरी फॉलिकल है वो इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी फॉलिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल है ना, इसके अंदर क्या है प्राइमरी ऊसाइट है क्लियर, और जैसे ही ये होगा इसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मियोसिस फर्स्ट जो पहले अरेस्ट हुआ हुआ था, अब वो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, या मान लो जैसे कैरियर सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी आते ही, किसके प्रेजेंस में, FSH हार्मोन के प्रेजेंस में, जैसे ही ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा इमीडिएट ये कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी फॉलिकल, किस में कन्वर्ट हो जाएगी टर्शियरी फॉलिकल में, यानी तृतीयक पुट्टिका में, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइमरी ऊसाइट इसके अंदर थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, सेकेंडरी ऊसाइट में, ध्यान रखिएगा ये सेकेंडरी ऊसाइट, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही ये बन गई N, और ये प्राइमरी ऊसाइट क्या थी आपके 2N, बेसबैंड सिग्नल, ये क्या है कैरियर, ये क्या थी 2N से कन्वर्ट हो गई किस में, N में कन्वर्ट हो जाएगी ये। अब देखो टर्शियरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, काफी बड़ी बनेगी टर्शियरी से, अपन ग्राफेन बनाएंगे उधर, ये अंदर भर गई, तो इसको आप लिखोगे सेकेंडरी ऊसाइट, क्या लिखोगे सेकेंडरी ऊसाइट, और ये क्या है N है, ध्यान रखना क्योंकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है,
म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, सेकेंडरी ओसाइट बन जाएगा और उसके बाद में म्यूसिस सेकंड भी शुरू हो गया है। अब इसके चारों ओर देखो आप, सबसे पहली जो लेयर होगी आप सभी जानते हो वो कौन सी होती है, जोना पेलुसिडा, ये मैंने बना दी जोना पेलुसिडा। उसके बाद में मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अपन को पता ही है। उसके बाद में एक लेयर और आती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये लेयर बना रहा हूँ। इनिशियल फेज जो है पाई, ठीक है, ये आगे कोरोना रेडिएटर मैं लिखता जाऊंगा बाद में। और इसके बाद में आते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जो मैं ब्लैक कलर में दूसरे कलर में बनाऊंगा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो डबल लेयर है, जो अपने दो लेयर बना दिया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये है जो ओमेगा सी है, ये बहुत बड़ा है किससे, ओमेगा एम से, ठीक है। तो अगर मैं कैरियर सिग्नल को बनाऊं तो पहले मैसेज सिग्नल बनाते हैं अपने लोग। अगर मान लो इधर मैंने बना दिया मैसेज सिग्नल, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये दूसरी लेयर, ये आगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब इसके बाद में बनाऊंगा मैं थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ध्यान रखिएगा। साथ बैरी कर रहा है, साइन फंक्शन होगा। तो कैरियर सिग्नल क्या होगा, ये दोनों बना देता हूं मैं। थीका लेयर, कौन सी लेयर, ये क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा। मैंने आपको पहले अभी कहा था सेकेंडरी फॉलिकल में ये थीका लेयर जो है वो आगे जाकर दो में डिवाइड होगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा तो दो है कि दो ही है, थीका इंटरना एक्सटर्ना दो हो गई है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियर, इतनी सारी लेयर बनती जाएगी, इतना प्रोटेक्टेड होता है सेकेंडरी ओसाइट जिसको अपन ओवम इसी से बोलते हैं, ओवम अंडाणु, वो इतना प्रोटेक्टेड होता है फीमेल ओवरी के अंदर। और ये क्या है, कैरियर सिग्नल, ये लीजिए साहब, ठीक है। अब मैं लेयर के नाम लिख देता हूँ, ये सबसे बाहर है वो है थीका, बात करें एक्सटर्ना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, इन दोनों को हमें सुपरइम्पोज करना है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेवफॉर्म बनाऊं, क्लियर। और ये है आपके दोनों, कौन सी है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा मॉड्यूलेशन बनाए तो क्या होगा, ठीक है। और ये ब्लैक कलर वाली आ गई कोरोना रेडिएटा, ध्यान रखना यहां से शुरुआत हो गई कोरोना, इंपॉर्टेंट बात होगी कोरोना रेडिएटा। और ध्यान रखिएगा ये जो सेल है वो सेलुलर लेयर है, ध्यान रखिएगा कौन सी लेयर है, सेलुलर है। और उसके बाद में आ जाती है रेड कलर वाली, कौन सी, जोना पेलुसिडा, ये आ गई जोना पेलुसिडा, जो डेफिनेटली कौन सी लेयर है, क्या होगा, सेलुलर लेयर है, यानी सेल्स इसमें नहीं है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया दोनों, क्लियर। और उसके बाद में आ जाती है, कहने की जरूरत ही नहीं है कौन, प्राइमरी ओसाइट, ये आ गई प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट जिसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, ओवा या ओवम। ये सिग्नल तो ऐसे चलेगा बेसमेंट वाला, ये तो सेकेंडरी ओसाइट है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बीच में एक फ्लूइड आ जाता है, इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, यहाँ पर किसके बीच में, कोरोना रेडिएटा के बाहर, कोरोना रेडिएटा कहाँ है, ये इसके बाहर यहाँ पर एक कैविटी डेवलप हो जाती है, इसमें फ्लूड बढ़ना शुरू हो जाता है, एक कैविटी हो जाती है, इस कैविटी को अपन कहते हैं कैविटी डेवलप हो जाती है हमारे पास। अब देखो इसमें जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे वेरी करेगी, इसको बनाते हैं एंट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरियर का एम्पलीट्यूड, एंट्रम, एम्पलीट्यूड तो ये रहना, तो क्या बोलोगे आप, एंट्रम, ये जो दिया हुआ है ये कितना है, एसी, और ये कितना है, कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टर्शियरी फॉलिकल का, ध्यान रखिए कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम कहते हैं, क्लियर। और या आप पूछिए जोना पेलुसिडा जो है ये बेसिकली है तो किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, की बनी है। और गोल्जी बॉडी इसका स्त्रवण करता है, कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यहां पे आप देखो ये जो कैरियर है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको अपने लोग बोलते हैं ये वाले को गोल्जी बॉडी, इसका और ये जो आ सकते हैं स्त्रवण करता है, ए मिनिमम, समझ गए, इसका स्त्रवण कौन करता है, आपके गोल्जी बॉडी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके सबसे बड़ी बात हो गई। और थीका इंटरना जो है देखो इससे निकल कर आता है, इससे ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है, क्लियर। साथ ही साथ में अपन को पता है थीका लेयर से जो फोलिकुलर सेल्स है उससे कौन सा हार्मोन निकल के आता है, इनिबिन हार्मोन में निकल के आता है, ठीक है। ये है आपके स्ट्रक्चर किसकी, टर्शियरी फोलिकल की, इसको अपन एंट्रम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा एंट्रम है ये, ठीक है। अब मैं इसको डेवलप करूंगा किसके अंदर, सबसे मैच्योर स्ट्रक्चर इसकी जो है वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपके, ग्राफियन फोलिकल,
ये सबसे पूर्ण परिपक्व जानक ग्राफेन पुट्टी का ये लास्ट है इसकी, यहाँ से फिर इसके बाद में इसमें हो जाता है क्या अंडोस्तर जिसको अपन बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, यह अब स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे अपन किसकी, इसके आगे वाली स्ट्रक्चर कौन सी है ग्राफियन फोलिकल। ठीक है लिखिए बेटा, बात करते हैं अब अगर अपन लोग इसी से बात करें अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया तो ए मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, ठीक है ये ए मैक्स आ गया और ये ए मिनिमम आ गया। ठीक है तो ए मैक्स हमारे पास क्या होगा ए सी जल्दी करें ए एम, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास ए सी प्लस ए एम डिवाइड बाई टू करोगे तो क्या आएगा हमारे पास ए मैक्स आ जाएगा हो गया। ठीक है और ए मिनिमम कितना आएगा हमारे पास ए मैक्स माइनस ये कौन है वो टर्शियरी पॉलीगन। अब अपन बात करेंगे ग्राफेन पॉलीगन है ना, देखते हैं हम लोग कैसे डेवलप होती है। ए मैक्स को लिखूं तो लेयर आपको ध्यान रखनी कितनी बन गई देखो, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 सेकंड टू साइड को छोड़कर कितनी लेयर है जोड़ना पहले शेडर से 1 2 3 4 5 6 लेयर आपको रट के रखनी है, 6 लेयर बनानी है अपन को ए एम माइनस ए सी डिवाइड बाय 2 समझ गए। अब एक मैं टर्म बोल रहा हूं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये स्रावित करती इनहिबिन हार्मोन को, किसका इनहिबिन, और ये क्या होता है एएम अपॉन जो एफएसएच के लेवल को क्या करता है अपने पढ़ रखा है कम करता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है ये क्या है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये क्या है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मतलब ये किसका है मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैसेज सिग्नल लिख लो इसे, तो मॉड्यूलेटिंग की अभी हम लोगों ने बात ही नहीं करी है तो इसको लिख लो। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन ग्राफेन फोलिकल की, इसकी बनाएंगे अपन। ठीक है अब देखिए ग्राफेन फोलिकल में क्या होगा, ठीक है डेवलप हो गई है ज्यादा विकसित हो गई सेम वही आपको यही बनाना है यहाँ पर क्या एन बोले तो सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इसके बाद वही व्यू को तो आप कलर सारे ले ले आप जो ना पहले सीधा माइनस ए मिनिमम उसके बाद में कोरोना रेडिएटर ये मिनिमम ये भी फार्मूला है इसका समझ गए। अब अपन लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, कोरोना फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आएगा जैसे मान लो अगर मैं एफएम इसके बाद में आ जाती है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, अपने लोगों ने अभी क्या बनाया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये जो है तो एफएम की बात कर लेते हैं एक लेयर तो थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं तो क्या होगा एफएम की अगर अपन लोग बात करें दूसरी लेयर तो ये अपने लोगों ने मैसेज सिग्नल बना लिया एमटी बना लिया और जो मैसेज सिग्नल होता है ना इसी को अपन लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये होगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सही है ये है। और कैरियर की बात कर लेते हैं क्लियर, ये थीका कैरियर आएगा इंटरना बना दी अब बना रहे थीका एक्सटर्ना, ये अपन लोग क्या बना लेते हैं सीटी बना लेते हैं। तो कैरियर की अगर बात करें ये लीजिए नाम लिख लीजिए वही थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है फिर आती है ग्रेनुलोसा, तो आप ये मान लो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी मेम्ब्रेन यानी कि लेयर्स बहुत ज्यादा है ये हमारे पास फिर आ जाती है आपकी कौन सी कोरोना रेडिएटा। अब अगर मैं बनाता हूं सेलुलर लेयर है फिर आ जाती है आपकी जोना पेलुसिडा जो एसेलुलर है ग्लाइकोप्रोटीन की बत्ती बनी होती है और गोल्जी बॉडी इसका सेपरेशन करता है। मॉड्यूलेशन में क्या आएगा अब ये जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ना ये चल अंदर सेकेंडरी ओसाइट है ये। अब आप देखो मेन इवेंट क्या है तो बीच में आप देख रहे हो ये बीच में एक जगह बना रही है ये जगह क्या एंट्रम ही रही है पे तो ये सिग्नल है ये क्या है खाली जगह को अपन क्या कह रहे हैं और जैसे ये जीरो आता है वहां पे जगह को अपन क्या बोल रहे हैं एंट्रम
और इस एंट्रम के अंदर बड़ा होता है लिक्विड, इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, मतलब इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लिक्विड बना रहता है जिसे आ गया हमारे पास एफएम आ गया। अब मैं फेज मॉड्यूलेशन की बात करूं, फोलिक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड फोलिक्यूल। इसका फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन देता रहता है किसको, इन सेल्स को, अपने सेकेंडरी साइड को, सबको ये पोषण देने का काम इसका होता है। ये जो फ्लूइड भरा हुआ किसके बीच में, कॉर्ना रेडिएटा, इन दोनों के बीच में कॉर्ना रेडिएटा और इसके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके, ये फ्लूइड प्रेजेंट है। यहां पे मान लो सिग्नल आ रहा है हमारे पास फोलिक्यूल, क्या बोलते हैं, लिक्विड फोलिक्यूल, तो फोलिक्यूल ये बोलते हैं, ये फ्लूइड होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है क्या देना, जैसे मान लो ये क्या देना, न्यूट्रिशन देना और इसमें थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करना, स्त्रवण भी होता है, ध्यान रखिए स्त्रवण करना, यानी स्टोरेज रहता है, यहां पे स्ट्रैग न्यूट्रिशन देता रहता है, ठीक है। यहां पे ग्राफिन चेंज हो जाएगा फोलिकल, अब ग्राफिन फोलिकल है, जैसे ही मान लो यहां स्ट्रैग 14th डे आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वें दिन, उस समय एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, एलएच का ज्यादा होगा, ये इतनी बात समझ में, एस्ट्रोजन का भी ज्यादा होगा, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलेशन, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, देखो यहां पे मेन तो इसका एलएच है, एलएच का लेवल ज्यादा होगा, तो एलएच का लेवल होते ही ये ग्राफिन फोलिकल जो है यहां पे फेज चेंज हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है, फोलिकल है वो फट जाती है। अब अपन लोग आगे बात करते हैं एम्बुलेशन, फट जाती है, आदत अपने लोगों ने पढ़ ही लिया है, फिर फट जाती क्या होता है उसमें से आगे बात बताऊंगा मैं, ओवुलेशन टॉपिक से फट जाती है, और अभी इतना ही लिखना, और ओवुलेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है सर, क्लियर, यानी इसके आगे का ओवुलेशन हो जाएगा, उसके बाद में क्या स्टेज बनेगी वो अपन बात करेंगे, पहले ये लिख लीजिए, आगे काम में आएगा, तो हेडिंग डालो आप लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरा ये भी डाल लें, जो ग्राफियन फोलिकल है ये भी क्या है आपको पता है, ए सेलुलर है, ध्यान रखना, सॉरी ए वैस्कुलर है, ए वैस्कुलर है, ध्यान रखना, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है, बीवी का मतलब ब्लड वेसल्स, पूरा लिख देता हूं, ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, देखिए, ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है उसको पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन है उसको पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो क्या है ये, जैसे जो मैसेज सिग्नल है, हो गया, क्या बोलते हैं अपन लोग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल इनको अगर मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना, और ये क्या है हमारे पास कैरियर, इसको क्या बोलते हैं, तो ग्राफिन फोलिकल का ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन रप्चर हो जाएगा, फट जाएगी वो, और इसमें से जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके साथ एक तो जोड़ना पहले सिड एक कोरोना रेडिएटा, ये पट्टे दोनों बाहर निकल जाएगी, तो ओवरी से बाहर आ जाएगी और फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाती है बाद में, पहले सिलोमिक कैविटी में आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मैंने लिखा तो ये क्या आ गया हमारे पास, एम साइन ओमेगा एम टी, ये क्या है, करियर सिग्नल है, और ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, अब अपने लोग क्या करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है, ठीक है, इस वाले का, तो इसको अपने लोग क्या लिखते हैं, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा हमारे पास, ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपने लोग सी एम टी, अगर मैं इसको लिखूं तो आप क्या लिखोगे, ए सी, ये तो एम्पलीट्यूड आई, और इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये
कैरियर सिग्नल हाई और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये चेंज हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो इसको अगर मैं लिखूंगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम साइन ओमेगा सी टी, ये हमने लिख लिया। चलिए साहब, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां से एसी को कॉमन ले लें, या एक काम करते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन ओमेगा सी टी प्लस कौन से दिन ईएम मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का अपन कंसीडर करते हैं, नॉर्मल फीमेल 28 दिन का तो 14वें दिन होगा, है ना, ध्यान रखिए। साइन बीज होगा वो कितना होगा, 14वें दिन क्या होगा, देखिए 14वें दिन एलएच ए प्लस बी माइनस एफएसएच कॉस और एस्ट्रोजन, तीनों के लेवल हाई होते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो होता है मेन वो होता है एलएच सर्ज कॉस ए माइनस का मतलब होता है मैक्सिमम स्तर होता है इसका, ठीक है, यहां माइनस आता है एलएच सर्ज होता है, ठीक है ना। इस दिन क्या होता है तो इसको लगा ग्राफिन फोलिकल, इसको जब आप लगाओगे तो ये लिखा जाएगा जो डेवलप्ड फोलिकल फट जाती है कॉस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी और ये टी आ जाएगा सेकेंडरी उसाइट आएगा यहाँ पे प्लस कॉस सेकेंडरी उसाइट ओमेगा सी प्लस ओमेगा जिसे हम बोलते हैं ओवा, ठीक है, या ओवम रफली वैसे गलत लिखा है, ठीक है सेकेंडरी, एक मिनट, ठीक है। अब एक काम करो इससे एसी सिग्नल अलग ले लो, देखो ये जो आया हमारे पास सेकेंडरी उसाइट जो है उसाइट, ये क्या हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है, तो देखो अभी आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग बॉडी कैविटी में आ जाए, पहले लोअर साइड बैंड बॉडी कैविटी जिसका नाम आपने लिखा था क्या आएगा सिलोमिक कैविटी में कॉमन ले लूं तो ये बनेगा आता है साइन ओमेगा सीटी प्लस फिर एएम बाय 2 फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है और ये आ जाएगा कॉस ओमेगा एम ओमेगा सीटी प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस में प्रवेश कर जाता है फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर गया एएम बाय एस, ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन ओवुलेशन कहते हैं। इसके लिए मेन जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, एलएच, आपके ध्यान गया एफएसएच और एस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ रहा है, लेवल तो सभी का ही बढ़ रहा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन जिम्मेदार है ओवुलेशन की, अगर आपको तीनों हार्मोन दे दे मेन जिम्मेदार कौन है तो आप किसको फोकस करोगे, मेन एलएच को फोकस करोगे ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फोकस करोगे आप, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं ओवुलेशन, अब ओवुलेशन होने के बाद ओम किसमें आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, ये फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है। अब देखो ओवुलेशन के पश्चात, ठीक है, अब इसमें देखो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है ओवरी के अंदर तो संरचनाएं बची हुई है, तो देखो ओवुलेशन में क्या क्या बाहर आया, ठीक है, बाहर आता है एक तो सेकेंडरी ओसाइट, ये सिग्नल बन गया, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। साथ में आती है कौन, जोना पेलुसिडा, और एक परत और आती है जो इसको बाहर से प्रोटेक्ट करके रखती है, जो कोशिकीय परत है, क्लियर। ये तो आ गई कोरोना रेडिएटा, ये आ गई जोना पेलुसिडा, ये सेलुलर लेयर है, अब ये ए सेलुलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई गोल्जी बॉडी से स्थापित, अंदर पड़ा आपके सेकेंड उसे जो एन है, क्या बनेगा, बिल्कुल ये तीन चीजें, ये तीनों की तीनों मैं ऐसे बना दूं, सिग्नल बन के आएगा, ये तीनों की तीनों किसमें प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब में, ध्यान रखना ये फेलोपियन ट्यूब, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब में आता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि केवल आपके ही आ जाए, ये पूरा आता है प्रोटेक्टर, ये बाहर पड़ते हैं, देखो ओमेगा सी प्लस, ठीक है, ओमेगा एम बाय 2 ओवुलेशन के समय, देखो एक तो ये ओवुलेशन के बाद ये ओमेगा सी माइनस ओवरी के अंदर ओमेगा सी प्लस ओमेगा बच्ची संरचना, तो जो ओमेगा सी है उसको तो कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है इसको अपने लोग बोलते हैं लोअर साइड हेमोरेजिक कम लोअर साइड कहलाती है वेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एलएसबी, ठीक है, तथा ओमेगा इसके बाद ओमेगा एम आता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम अपर साइड वेंट का निर्माण होता है, ध्यान रखना, उसके बाद में इसका निर्माण होता है कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, क्लियर। ये बनाइए आप फटाफट पहले संरचना को, ये लिखिए, फिर मैं आपको ये ओवरी के अंदर चेंजिंग होने वाली संरचना का फोटो बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके इधर जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी वो कितना आ रही है,
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, जल्दी कीजिए। चलिए साहब अब अपना आगे बढ़ते हैं, इस संरचना का आगे किस तरह से क्या होता है। ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फोलिकल, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फोलिकल कॉर्पस हेमोरोजिकम, और कॉर्पस हेमरोजिकम से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है कॉर्पस अल्बिकेंस, और उसके बाद में वो डेस्ट्रॉय हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? एट्रेसिया। इसमें फोलिकल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये लीजिए, ये कहानी है पूरी की पूरी। अब आप देखिए कैसे, सपोज करो ये आपके था क्या, आपके ग्राफियन फोलिकल, क्लियर, ये ग्राफियन फोलिकल है, ये फट गया, फटते ही वो तो रिलीज होके चला गया, कौन, सेकेंडरी उस साइड तो गया, रिलीज होकर किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब में, क्लियर। अब जो बची हुई संरचना है वो क्या है, वो बची हुई संरचना ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, पड़ती है ना तो ब्लड जमा हो जाता है यहाँ पर, ये हो गया ब्लड का क्या जमा हो गया यहाँ पर, क्लोट, और ब्लड जमा होने की वजह से इसको अपन बोल देते हैं क्या, क्या बोल देते हैं इसको अपन, कॉर्पस, वो देखो लिखा हुआ सेकेंड कौन सा, हेमरेजिकम, कॉर्पस हेमरेजिकम, ठीक है। अब ये ब्लड तो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, इसके बाद में जो संरचना बनेगी जो इस तरह से वापस बननी शुरू हो जाएगी, ये संरचना बनेगी, इसको अपन बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर जो एक प्रोटीन जमा हो जाता है आकर ब्लड के थ्रू, उसका नाम है ल्यूटीन प्रोटीन, क्या नाम है, ल्यूटीन प्रोटीन, और ल्यूटीन प्रोटीन जमा होने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो, इसलिए नाम रखा गया है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर, वो क्या रिलीज करते हैं आपको पता है, सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सबसे ज्यादा रिलीज, तो देखो तीन एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब सबसे ज्यादा करेंगे प्रोजेस्टेरोन, और थोड़ा बहुत करेंगे कौन सा, ईस्ट्रोजन, यानी प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का स्त्रवण यहीं से ही होगा, और प्रसव के दौरान, किसके दौरान, प्रसव के दौरान, प्रसव यानी कि जब डिलीवरी होती है उस समय, डिलीवरी के दौरान इसी से ही कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन मुक्त होता है, जो प्रोटीन प्रकृति का होता है, कैसा प्रकृति का होता है, प्रोटीन, बाकी ये दोनों तो आपको पता ही है किस प्रकृति के, स्टीरोइड प्रकृति के, स्टीरोइडल नेचर के, ये तो लिखा है, और ये आपके प्रोटीन प्रकृति का, ये मुक्त होगा और ये प्रसव में हेल्प करता है ना, ये दीजिए साहब कार्पस ल्यूटियम। अब इस कार्पस ल्यूटियम के बाद में संरचना बन जाती है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस, मतलब हमें एएम की अल्बिकेंस, क्या बोलते हैं, और बस अल्बिकेंस, और इसके बाद में ये नष्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, ये हमें देखा है एट्रेसिया, इसको पूरा नाम है फोलिकुलर एट्रेसिया, क्या नाम है, फोलिकुलर एट्रेसिया, हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करना है, 28 दिन का कार्यक्रम समाप्त, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे ओवरी के अंदर जितने भी चेंजेस होने थे वो हो गए, अब अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन फेलोपियन ट्यूब, ये कीजिए पूरा पहले, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या है, AM / AC।
तो कितना आ गया 10/20 कितना आएगा ये 0.5। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया, ये पहले वाला पार्ट हो गया। बी की बात करें तो हमारे पास एफ एम मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 10 kHz, हर्ट्ज में दी हुई है तो हम लोग हर्ट्ज में बात करेंगे, ठीक है। ओमेगा दिया हुआ नहीं है तो एफ एम जो एफ सी जो दिया हुआ है वो कितना है 1 MHz, तो 1 MHz क्या ले सकते हैं हम लोग 1000 kHz ले सकते हैं इसको। तो अपर साइड बैंड की बात कर लेते हैं, लोअर साइड बैंड, तो जो लोअर साइड बैंड होगा वो कितना होगा एफ सी माइनस एफ एम, और अपर साइड बैंड जो होगा वो कितना हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम। तो 1000 - 10 कितना आ गया 990 kHz हो गया, चलिए। और ये आ गया 1000 + 10 1010 kHz आ गया। तो ये हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल हो गया, तो ये अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब अपन बात करते हैं, कंप्लीट हो गया, मतलब ये कम्युनिकेशन जो चैप्टर था ओवुलेशन जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि ओवुलेशन की प्रक्रिया हमें समझ में आ गई कि ओवम सबसे पहले मुक्त होकर किसके अंदर आता है, सिलोमिक कैविटी में आता है, और सिलोमिक कैविटी से आगे की ओर जाता है, ठीक है। चलिए अब अपन अगला हेडिंग लगाते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ये साफ करने में इतना लोड आता है जितना पढ़ाने में नहीं आता है। चलिए साहब नेक्स्ट लगाइए, फेलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है साल्पिंगो ट्यूब, ध्यान रखिएगा ये नया वर्ड है आपके लिए, साल्पिंगो ट्यूब। तीसरा नाम है अंडवाहिनी यानी कि ओवी डक्ट, ठीक है। ये अपन बात करेंगे कल, ओके गाइस। तो आज अपन ने ओवेरियन साइकिल कंप्लीट कर लिया, ओवुलेशन कंप्लीट कर लिया, कल हम बात करेंगे एक तो फेलोपियन ट्यूब की, एक यूट्रस की, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सबको अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं आपसे वापस, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।